अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है जो न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है फॉल 2021, उसकी स्कीम ऑफ स्टडीज और उसकी आउटलाइंस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो मैं कोर्स आउटलाइन शेयर कर रहा हूँ वो सारी बीएस सेमेस्टर्स की हैं। एमएससी की अभी फिलहाल मैं शेयर नहीं कर रहा क्योंकि एमएससी का अभी कन्फर्म नहीं, हमारे जो न्यू एडमिशन है वो एमएससी में होते हैं या बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में। अगर ये एडमिशन बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में हुए तो इसकी जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ है वो डिफरेंट होगी जो अभी बी एस फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है। तो इसलिए जैसे ही वो न्यू एडमिशन्स होंगे फाइनल डिसीजन होगा कि न्यू सेमेस्टर बी एस फिफ्थ का होगा या एम एस सी का, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उसकी जो आउटलाइंस है वो शेयर कर दूंगा। तो अभी मैं जो सारी स्कीम ऑफ स्टडीज़ सेमेस्टर वाइज और उसमें जो चेंजिंग आई है वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर में दो चेंजिंग है, एक इसकी जो है आउटलाइन है, इसके अंदर चेंजिंग है कि आउटलाइन में जो है इंट्रोडक्शन टू स्टैट, इसके आउटलाइन को हमने इस दफ़ा चेंज किया है क्योंकि बाकी सेमेस्टर जो यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट आउटलाइन के साथ चल रहे थे और हम डिफरेंट के साथ, तो अब हमने इसको सेम यूनिफॉर्म आउटलाइन कर दिया। अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। पिछले साल में हमने जो डिफरेंट पेपर सेट करवा लिए थे मगर उसमें भी डिफरेंट पेपर सेट करवाने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है, बज़ दफ़ा वो हो जाते हैं बज़ दफ़ा नहीं होते, तो हमने सेम आउटलाइन के साथ इस दफ़ा जा रहे हैं ताकि पेपर सेटिंग में और होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। एक और चेंज आया अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जो है बीएस प्रोग्राम में ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान का एक टॉप जो कोर्स है ऐड किया है, ये सारे आउट कोर्सेज के अंदर ऐड होगा क्योंकि ये जो रूल है नए सेमेस्टर के साथ अप्लाई होगा, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं जो ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान का कोर्स एक पढ़ेंगे। थर्ड सेमेस्टर इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम जैसे हम लोग पहले चल रहे थे सेम चीज़ें होंगी। सेमेस्टर फिफ्थ में कोई चेंज नहीं है, सेम कोर्सेज चलेंगे जो पहले हम लोग ले रहे थे। और इसके बाद जो बी एस सेवन सेमेस्टर है इसमें आप लोगों ने जब कोर्स चूज करने तो ख्याल रखना है कि आप कोशिश करें ये तमाम सब कैंपसेज हैं या गवर्नमेंट कॉलेज या एफिलिएट कॉलेज हैं कि ये सेम कोर्स हम जो अप्लाइड ग्रुप में ऑफर कर रहे हैं या प्योर ग्रुप में ऑफर कर रहे हैं यही वाले कोर्स हैं, ताकि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसके जो पेपर सेटिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। बाज़ दफ़ा आप लोग डिफरेंट ऑप्शन चूज कर लेते हैं जो डिपार्टमेंट में नहीं पढ़ाया जा रहा, तो उससे फिर क्या होता है उसकी पेपर सेटिंग नहीं होती, वो पेपर फिर बाद में सेकंड टाइम में लेना पड़ता है, बाज़ दफ़ा वो बच्चे पेपर दे नहीं पाते। तो आप लोग कोशिश करें सेम कोर्सेज लें जो कि डिपार्टमेंट में पढ़ाए जा रहे हैं। तो हम अप्लाइड ग्रुप में ऑफर कर रहे हैं थ्री कोर्सेज, इंटीग्रल इक्वेशंस, फ्लूइड मैकेनिक्स वन और ऑपरेशन रिसर्च, और पेयर ग्रुप में हम लोग अलजेब्रिक नंबर थ्योरी, एडवांस ग्रुप थ्योरी वन और एडवांस फंक्शन एनालिसिस, ये थ्री कोर्सेज हैं। बाकी जो इसमें कोर्सेज हैं सारे कंपलसरी हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल एनालिसिस वन है, पार्शियल पीडीज़ है, एडवांस थ्योरी है, ये कोर्स सारे बच्चे पढ़ेंगे चाहे वो प्योर है में है या अप्लाइड में। और जो प्योर और अप्लाइड के हम लोगों ने थ्री डिफरेंट कोर्सेज चूज किए हुए हैं इन सेवन सेमेस्टर और इसी तरह से एट सेमेस्टर के अंदर भी हैं। और जो बी एस फिफ्थ सेमेस्टर है इसकी जो कम्प्लेक्स एनालिसिस उसकी आउटलाइन में थोड़ी सी चेंज है, वो हमने यहाँ पे चेंज कर दी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा, इसके अंदर ही मैंशनड है। और मैंने इसमें यहाँ पे वाटरमार्क भी लगा दिया इस दफ़ा फॉल 2021। ये तुम्हारी जो तमाम आउटलाइंस हैं ये सिर्फ इसी सेशन के लिए हैं, इसी सेमेस्टर के लिए हैं। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में ये आउटलाइंस जैसे ही चेंज होंगी तो हम साथ में आपको बता देंगे। इसमें आप आगे देख सकते हैं सेमेस्टर वाइज जो सारी आउटलाइंस हैं, चाहे वो फिजिक्स का कोर्स है, मैथ का है, स्टैट का है या कोई भी कोर्स है, उसी आउटलाइंस आपको सारी यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें एक आउटलाइन यहाँ पे अभी मैंने ऐड नहीं की ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान, क्योंकि इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट इसको फाइनल कर रहा है अभी कि उसमें कोर्स कंटेंट्स क्या क्या होंगे, कौन से कोर्स जो सूराज हैं वो पढ़ाए जाएंगी इसके लिए, तो उसके जैसे फाइनल होगी तो मैं इसको आप लोगों को इसके बारे में अपडेट कर दूँगा। इसमें आउटलाइन में आपको क्वेरीज हों, क्वेश्चन हों तो आप लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में, मैं उसको रिप्लाई कर दूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।